बोर्ड एग्जाम के टाइम पे एफिशिएंट टास्क प्रायोरिटाइजेशन की जो स्ट्रेटजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हेल्प करती है, लेकिन कंफ्यूजन वही है कि उसे क्रिएट कैसे किया जाए, और चलो अगर बना लिया जाए तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाए, ये बहुत सारे डाउट्स बच्चों के माइंड में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों ये खास आप ही के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही, जिसके अंदर बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी फॉर एफिशिएंट टास्क प्रायोरिटाइजेशन। सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि आपको इंप्लीमेंट करना कैसे करना है वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर सबसे पहले हम बात करेंगे यूज लिस्ट का। अब सिंपली क्या होता है, एक दिन में हमारे माइंड में ऐसे हजारों थॉट्स आते हैं जिसके अंदर वैल्यूबल नॉन वैल्यूबल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। मान लीजिएगा आपको लगा कि यार मॉर्निंग में कोई इतना अच्छा थॉट आया था और आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उसे इवनिंग तक अच्छे से याद रख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपके माइंड से स्किप हो जाए क्योंकि इतने सारे थॉट्स आते हैं सेकंड्स में मिनट्स में। अगर ये सारी चीजों को उसमें से कुछ वैल्यूबल जो है अगर उसे नोट डाउन कर ले यानी कि उसकी लिस्ट बना ले तो कितना अच्छा हो। तो यही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए लिस्ट बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली जैसे मैं अपने ही एग्जांपल लेता हूं तो अगर मुझे कोई भी चीज यूज करनी होती है तो मैं अपनी लिस्ट जरूर बनाता हूं। अब आज के टाइम पे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, स्पेशली अगर आप पेन पेपर वाले बच्चे हैं तो आप पेपर का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपको बार बार पेन पेपर उठाना पड़े तो आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो क्योंकि डिजिटल एरा के अंदर जो वेरियस एप्स है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। पर्सनली जिन एप्स का यूज करता हूं मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं, जिसके अंदर ट्रेलो हो गया, इसके अलावा बुलेट जर्नल्स हो गया और गूगल कीप्स, ये मेरी फेवरेट एप्स है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट जो भी थॉट्स होता है उसमें वहां पे राइट डाउन कर लेता हूं। हालांकि बहुत सारे जने कुछ और भी अदर ऐप का यूज करते हैं जिसके अंदर नोटबुक, गूगल टास्क, रिमाइंडर, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो पहली चीज है कि लिस्ट बनाना, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो और अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे उसे कवर कर सकते हो। सेकंड है डू द वर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपने अपनी अपनी लाइफ में जरूर यह सुना होगा कि जो सबसे वर्स्ट चीज होती है, जो सबसे खराब चीज होती है उसे आप पहले कीजिएगा। इसका मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चे का थोड़ा हार्ट टाइट होता है यानी कि उसमें वो थोड़ा वीक होता है या एवरेज बिलो होता है। मान लीजिएगा कि मैं आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर लेता हूं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे मैथ हो गया, बहुत सारे बच्चों को मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इस सब्जेक्ट के चक्कर में जिस सब्जेक्ट में बच्चा काफी ज्यादा तेज है, उसका शार्प माइंड चलता है, चाहे वो SST हो या इंग्लिश हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, तो इस सब्जेक्ट के चक्कर में वो अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसको भी डिले करते रहता है। यानी कि आपको सिंपली करना क्या है कि जो सबसे खराब चीज है उसे पहले करना है, इससे आप जो प्रोकेस्टिनेशन है ना उससे बच सकोगे क्योंकि बच्चा टालता रहता वो चीज कभी हो नहीं पाती है। अगर आप ट्राई करोगे छोटा छोटा भी तो धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप होगी और आप खुद सोच के देखिएगा कि आप एक एफिशिएंट तरीके से टास्क को अपनी प्रायोरिटी पे रख के उस चीज को भी कवर कर रहे हैं जिसमें आप वीक है, और इसका बेनिफिट आपको उन सब्जेक्ट में मिलेगा जिसमें आप काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये चीज आपको जरूर फॉलो करनी है। थर्ड है द आईवी ली मेथड। आपने जरूर सुना इनका नाम, इनका ये जो मेथड है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड के अंदर, जो कि डेली रूटीन से रिलेटेड बताया गया। आईवी ली जो थे वो एक अमेरिकन पब्लिसाइजर है, इनका ये 6 स्टेप का जो मेथड है वो बहुत ज्यादा फेमस है डेली रूटीन को लेकर, जिसमें ये बताते हैं कि आपको क्या करना है। सिंपली अगर मान लीजिएगा कि मुझे 6 स्टेप का एक टास्क क्रिएट करना अपने नेक्स्ट डे के लिए, तो मुझे अपने इसी डे में इवनिंग में या लास्ट टाइम पर अपने नेक्स्ट डे का पूरा शेड्यूल बना लेना है जिसके अंदर मेरे को टोटल 6 ही टास्क करने हैं। और आप देखिएगा कि इसमें क्या होगा, जैसे आपका जो पहला टास्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी चीज का प्रोकेस्टिनेट तो बिल्कुल ना हो। अगर आप डेली तरीके से इन चीजों को फॉलोअप करोगे तो आप खुद देखिएगा कि हर टाइम आपको कुछ नया करने को मिलेगा। क्या होता है समटाइम हम जब एक चीज को टालते रहते हैं तो उससे क्या होता है, जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है हम उसे भी नहीं कर पाते, जिससे कि आने वाली जो चीजें होती है वो और ज्यादा हमारा बर्डन करते रहती है और फिर वही हो जाता है कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है, हम कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। तो इनका जो मेथड है डेली रूटीन का आप 6 स्टेप को फॉलो करके आराम से कर सकते हो, जिसमें आपको अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे जो भी आपके टास्क है छोटे मोटे बड़े किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आप उन्हें क्रिएट करते हो और उनके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो तो देखना धीरे धीरे क्या होगा, एक तो आप अच्छे तरीके से आपकी प्रोग्रेस होगी और कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी काफी पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। फोर्थ है द 1-3-5 मेथड। देखिए ये भी बहुत ना पॉपुलर ही है। इसमें क्या है कि अगर आप अपना फोकस लेवल इंक्रीज करना चाहते हो, जो आप टास्क को अपनी प्रायोरिटीज दे
रहे हो और अपना फोकस लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये मेथड आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। देखिए इसमें सिंपली करना क्या है, हर दिन आपको एक बड़ा टास्क, 3 मीडियम टास्क और 5 शॉर्ट टास्क जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन्हें लेना है, डेली इनके ऊपर वर्क करना है। जो आपका पहला और तीसरा वाला है यानी कि फर्स्ट जो जिसमें आपने सबसे बड़ा टास्क है वो जो कर रहा है वो तो करना ही करना है और जो दूसरे लेवल का है थर्ड वाला उसे भी आपको जरूर करना है। तो ये जो 1/3/5 का जो मेथड है वो अगर आप डेली फॉलो करोगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी जो है वो काफी बढ़ते रहेगी और आपका फोकस लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा डे बाय डे। एंड लास्ट है द ABCDE मेथड। जी हाँ, ये पर्सनली मेरा फेवरेट है और इसके ऊपर मैं जरूर इंप्लीमेंट करता हूं जिससे कि मुझे रिजल्ट भी पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। ABCDE मेथड में क्या है, सिंपली देखिए जो आपके टास्क होते हैं ए कैटेगरी के अंदर आप उन टास्कों को रखिएगा जिन्हें आपको कंपलसरी करना ही करना है यानी कि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कुछ लोगों के जो टास्क होते हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं तो ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे आप अपने टास्क को जैसे होता है ना हेडिंग की सब हेडिंग तो उसमें अपने मेन टास्क को आप सब टास्क में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका ए टास्क है तो उसके अंदर आप A1, A2, A3 की कैटेगरी को भी डिसाइड कर सकते हो आराम से। मेक श्योर कि ज्यादा बड़ी ना हो, A1 और A2 तक रहे तो ये ज्यादा बेस्ट है। सेकंड में आएगा बी टास्क। बी टास्क में सिंपली क्या करना है कि आप उन चीजों को फॉलो करोगे जिसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पहले वाले से इतना ज्यादा बड़ा ना हो यानी कि इतना ज्यादा वो आपके ऊपर असर ना ही डाले। और सी कैटेगरी का जो टास्क होगा एक तरीके से ये डिस्ट्रैक्टिव वाला होगा यानी कि जिसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज्यादा खास निकल नहीं रहा और ये आपको ज्यादातर डिस्ट्रैक्ट करने का काम करना है तो इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो डी वाला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि हो सकता है कि आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ या किसी अदर्स को शेयर कर सकते हैं कि वो आपका काम पूरा कर दे जिसकी वजह से आप अपने जो प्रायोरिटीज वाले यानी कि ए नंबर का जो टास्क है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। और जो लास्ट है ई वाला वो आपकी इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आता जो आपका ज्यादा टाइम को कंज्यूम करने का काम करता है जिसके अंदर सोशल मीडिया जैसी चीजें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और यही आपका सारा जो टाइम है वो कंज्यूम कर लेते हैं तो इन चीजों से आपको बचने की जरूरत है। तो ये ABCDE जो मेथड है वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा।